हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं धर्मशाला मॉनेस्ट्री में, और आज का ब्लॉग हम कुछ कारणों से दिन में से शुरू करना पड़ा, क्योंकि कुछ काम था हमें सुबह से। और यह आप देख पा रहे हैं, हम हैं मॉनेस्ट्री में अभी। यह है इसके चारों तरफ का व्यू, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हमारे पीछे हैं अनिल जी। ये तिब्बतन मतलब तिब्बत के बौद्ध धर्म के जो संचालक होते हैं वो यहीं पर होते हैं, और जो भी तिब्बत की पहली संत परिवार की पहली संतान होती है ना, उनको यहीं पर छोड़ना देना पड़ता है, मतलब प्रचार प्रसार के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। सब कुछ आप जैसा ये देख रहे हैं, सब कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, येलोइश। ये इस साइड का व्यू काफ़ी अच्छा है, और लाइट कम पड़ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, यहाँ पर काम चला है। यहाँ पर लगभग ज़्यादा नहीं हो तो 700-800 से लेके 1000 तक रूम अवेलेबल होंगे, पर उस साइड खेलने के लिए बनाया गया है। बच्चों को जो यहाँ पर रहते हैं, बच्चे उनके लिए खेलने के लिए यहाँ पर रखा गया है, बनाया गया है सब कुछ। इधर देखो, तो अभी चलते हैं हम अंदर, वहाँ पर भी दिखाते हैं आपको। पर वहाँ पर साइलेंट बैटल पड़ता है, बोल कुछ नहीं पाएंगे आप, देख ही सकते हैं वहाँ पर जाके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तो हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हम अंदर नहीं पहुँचे हैं अभी। जब अंदर पहुँच जाएंगे तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर चुप ही बैठना पड़ता है, साइलेंस। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं, यहाँ के बाहर के, ज़्यादातर बाहर के लोग होते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो अभी दिखाते हैं हम आपको अंदर जाके, आपको यहाँ रहने वाले लोग इसी वेशभूषा में मिलेंगे, मतलब इन्हीं टाइप के कपड़ों में मिलेंगे। जो कोई भी यहाँ आता है, इनके होते हैं, वो सब कुछ ऐसे ही मिलेंगे, वो इसी प्रकार की वेशभूषा में मिलेंगे। सभी कपड़े एकदम सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते हैं, और अपने धर्म प्रचार करने के लिए वहाँ के जो मतलब बौद्ध धर्म के जो धर्म को मानते हैं उनके जो पहली संतान होती है, उनको धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, जब तक वो कोई सीख न ले। उनकी सारी मतलब एजुकेशन से लेकर कोई हर कोई बात इन्हीं के अंडर होती है, इन्हीं के थ्रू होती है। उनका पूरी अंडर मतलब अपना अंडर कर लेते हैं, मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो अपने सब कुछ मतलब उसका फ्री में होगा यहाँ पर, वहाँ पे जब छोड़ जाते हैं। और ये काफ़ी सारा इतना बड़ा एरिया है कि आप देख के ही खुश हो जाएंगे, मतलब व्यू इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते हैं।
बाहर, तो अभी हम बोल पा रहे हैं। काफ़ी अंदर तो काफ़ी शांत माहौल था और काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि आप वीडियो में देख ही पाओगे कि कैसा व्यू है अंदर का और क्या कैसा है। आप मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि मन को शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर कोई भी आओ अंदर, जैसे जब गए तो वहाँ पर जिस किसी की भी ड्यूटी लगी होती है वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह, इंस्ट्रक्टर की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि भाई आप इसको करो, ऐसा होगा, मतलब आप पहले घूम लो सारा कुछ अंदर, फिर एक रुमाल टाइप होगा उसको चढ़ाना पड़ेगा, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है। अगर आप ऊपर जाते हो उन्हीं की आवाज़ सुनाई देगी और कोई वहाँ पे आवाज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले भी लिखा गया और जो भिक्षुओं के बैठने की जगह होती है वहाँ पर किसी को भी बैठने का अलाउ नहीं किया गया। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कि वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया और बोर्ड में लिखा गया है कि डू नॉट सिट हियर विदाउट परमिशन एंड टच एनीबॉडी विदाउट परमिशन। तो हम दिखाएंगे आपको उस बोर्ड को भी, बीच में हमने आपको दिखाया है। तो अंदर काफ़ी अच्छा माहौल था और ऐसा इस तरह से मतलब बैठने की व्यवस्था, सब कुछ, लाइटिंग, सारा कुछ एकदम इतना सुंदर है कि आप पूछ नहीं सकते। आप कोई भी आ सकता है क्योंकि यहाँ की पहचान ही ये येलोइश रंग है और येलो ये रेड, ये कोई भी आ सकता है। मतलब जब मेन रोड पे होगा, मेन रोड की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से सीधा दिखता जाएगा और गेट पे दिखाएंगे हम आपको जाकर के गेट किस तरह का है इसका। तो वहाँ पे चलते हैं, आपके साथ मिलते हैं फिर वहाँ। वहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं वहाँ पर है गेट, वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ पर जाकर। हेलो गाइस, तो आप देखते हैं कि जैसे हम घूमने गए थे अभी दलाई लामा मोनेस्ट्री के अंदर, ये योल कैंट साइड पड़ता है धर्मशाला में, तो अभी हम घूमने गए थे इसके अंदर। और अभी अपने आपको हम दिखाएंगे वीडियो में कि अंदर हमने क्या क्या देखा और किस तरह से ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये है इनका पूरा, तो जैसे आपने देख ही लिया है इनका ये पूरा एक इन्होंने कवर करके बनाया हुआ है, अपना ही पूरा अंडर एरिया है इनका सारा। बाकी अब हम चलते हैं अपने गेट की तरफ, तो तनुज आगे चला है और मैं पीछे हूँ, तो मैंने सोचा आज थोड़ी ज़रा मैं कर लूँ बातचीत आप लोगों से। तो गाइस अभी नया नया चैनल है, फुल स्पोर्ट, आपकी स्पोर्ट का ज़रूरत है, तो अपनी स्पोर्ट में किसी चीज़ की कमी मत रखना। तो बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मतलब हर एक वीडियो के बाद परफेक्ट वीडियो जो है आपको दिखा पाए हम, हमारी कोशिश यही है। तो अब हम जा रहे हैं बाइक के पास, बाइक इधर ही लगी है नीचे, वो रहा सामने गेट। तो ये देखते हैं, इनका कलर भी पूरा येलो और मौसम भी बहुत प्यारा है। ये है तिब्बती, ये गाड़ियाँ भी आती हैं अंदर, यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर लिंक रोड है। तो ये रहा गेट और ये तनुज और यहाँ पे लगी है मेरी बाइक। तो गाइस अभी हम खड़े थे यहाँ बाइक के पास, तनुज बोल रहा है गेट के पास जाके आते हैं एक बार, तो चलते हैं गेट के पास। ये देखिए गाइस, इन्होंने जो अपनी अपने इस एरिया की कंडीशन और खूबसूरती कुछ इस प्रकार से बनाई है। तो ये रहा इसका यहाँ का मेन गेट, आपको दिखाएंगे। ये रहा मेन गेट और इसके अंदर इनका जो है ये इनका ही एरिया है, इनकी बैठने की व्यवस्था और रहने की, वहाँ पढ़ाई की, सब कुछ काम की इसके अंदर ही है। गाइस वो देखिए आगे से आ रही हैं तीन लड़कियां, तो जो कि तीनों ने मास्क डाले हुए हैं। आपके भाई को इनकी इनका फेस नहीं नज़र आ रहा है, नहीं तो शायद एक आदि को तो सेट कर लेते। पर ये हैं गाइस, ये है हमारी बाइक और ऊपर से आ रही तीन लड़कियां और आपका भाई चलाएगा बाइक।
तो अभी हम निकल चुके हैं मॉनेस्ट्री के गेट के बाहर, तो अभी बाहर का व्यू आप एंजॉय करिए। तो अभी चलते हैं कहीं और घूमने और आपको वो व्यू भी दिखाएंगे। हाँ, बस आप YouTube फैमिली वालों की सपोर्ट रही तो हम आपको इससे भी अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे, पर आप अपनी वहाँ सपोर्ट बनाए रखें और अपना प्यार हर वीडियो पर देते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइक शिमला का व्यू, पर ये शिमला नहीं धर्मशाला है। धर्मशाला में भी ये क्लॉक टावर बना है जैसे कि शिमला में है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पर हैं आप नए तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और अगर बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें जिससे कि आपको हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसी के साथ कर मिलते हैं आपको अनदर ब्लॉग में।